एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नवाज अशरफ दहलवी पर। आज बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि हम फर्स्ट टाइम जब भी कैट हमारी हीट पे आती है तो हम कैसे पहचानें, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर हीट पे आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए और किससे अंदाज़ा लगाना चाहिए। कभी कभी अक्सर ये सवाल होते हैं लोगों के फ़र्स्ट टाइम हीट पे आते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग तो साइलेंट हीट बोलते हैं, कुछ लोगों को पता भी चल जाता है हीट पे तो वो समझते हैं बीमार है। जैसे कि आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठा हुआ है, ये मेरी कैट नहीं है, किसी के यहाँ से आई है और ये सिर्फ मेरे पास शाम के वक्त आई थी, यही कहने के लिए आई थी वो कि ये जो है बीमार हो गई है, कुछ खाना नहीं खा रही है, 3 से 4 दिन हो गए। तो एक्चुअली ये बीमार नहीं, ये हीट पे ये डरी डरी घूम रही है, घर से बाहर भी निकल रही है, कभी इस कोने में चली जाती है, कभी छत पर चली जाती है, अपनी जगह पर नहीं बैठती। तो ये सिम्टम्स जो है वो हीट के हैं। अब उन लोगों को इतना पता नहीं था तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम कैट को पाला था तो उन्होंने मेरे पास ले आया कि शायद ही बीमार होगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जब भी कैट फर्स्ट टाइम हीट पे आती है तो कई तरीके की कैट होती हैं और सबके सिम्टम्स अपने अपने अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कैट का सेम सिम्टम होगा। फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि जब भी कैट हीट पे आती है ना तो अपनी जगह से वो बाहर चली जाती है, अपना क्राइटेरिया छोड़ देती है। वो सपोज़ कीजिए एक रूम में रह रही है या एक आंगन तक महदूद है वो, तो वो क्या करेगी, उस लिमिट को क्रॉस करने लगेगी जब भी हीट पे आएगी, क्योंकि वो मेल की तलाश में निकलती है। फिर चाहे उस मेल की तलाश हो, चाहे उस दलान को पार करके हो या फिर उसके मकान को पार करके हो, वो जो भी उसका क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया से बाहर निकल जाएगी। दूसरा सिम्टम्स कि वो चिल्लाने लगेगी। कुछ बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाती हैं, कुछ बिल्लियाँ आराम से चिल्लाती हैं। साइलेंट हीट के मीनिंग्स कुछ भी नहीं होते। लोग कहते हैं साइलेंट हीट है, कोई सिम्टम नहीं है, मगर हीट पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिम्टम्स होते हैं। मैं जो बता रहा हूँ सिम्टम्स, उसमें से या तो सारे होंगे या कोई ना कोई होगा ज़रूर। पहला सिम्टम्स ये है कि वो अपना क्राइटेरिया छोड़कर बाहर जाने लगेगी। दूसरा सिम्टम्स ये है कि वो चिल्लाने लगेगी। तीसरा सिम्टम्स ये है कि वो ज़मीन पर ना रोल रोल करने लगेगी। आपको दिखेगा कभी भी ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा आपके साथ खेल रही है, मगर वो अडल्ट हो जाती है जब वो ज़मीन पर लोटे मारने लगती है, रोल करने लगती है, तो वो एक्चुअली हीट पर होती है, वो खेल नहीं रही होती है आपके साथ। और चौथा सिम्टम ये है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आपको कंफर्म करना है 110% कि वो हीट पर है या नहीं है, तो दोस्तों थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे बताने में, मगर जो चीज़ है बताने की वो तो बताऊंगा कि जहाँ से ये यूरिन पास करती हैं अपना, आप वहाँ पर फिंगर लगाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे अगर लिक्विड आ रहा है तो वो हीट पर है। ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है। और दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्लियाँ खाना छोड़ देती हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब हीट पर आती हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है क्योंकि 7 से 8 महीने जो ओनर ने उन्हें पाला होता है, 9, 10 महीने 12 महीने, तो उसे नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। मगर वो जैसे ही अपना बिहेवियर चेंज करती है, ओनर सोचता है कि ये हीट पर बीमार हो गई है, हीट पर नहीं आई, उसे पता नहीं होता, तो वो डॉक्टर के पास ले जाता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, खैर बताने का टाइम नहीं है। मेरी फीमेल भी हीट पर आई थी तो मैं डॉक्टर के पास ले गया था यहीं दिल्ली में, तो उस डॉक्टर ने एक्सरे कराया उसका। मैंने कहा था उनसे कि मैं जब ऐसे ऐसे हाथ करता हूँ तो पीछे का हिस्सा जो है उठा लेती है और पैर पूरे खोल के नहीं चलती है, दबा दबा के पैर चलती है। तो उन्होंने एक्सरे करा लिया, कैल्शियम भी लिख दिया, मल्टी विटामिन भी लिख दिया और दवाइयाँ भी लिख दी, इंजेक्शन भी लगा दिया। बहरहाल उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर सेम कंडीशन, वो ठीक हो गई 10 दिन में। मैंने सोचा डॉक्टर ने ठीक कर दिया, मगर सेम कंडीशन जब 1 महीने बाद रिपीट हुई तब मुझे लगा कि शायद इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है कि बार बार बीमार हो रही है। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एस के सिंह हैं, उन्होंने कहा कि नवाज़ भाई ये बीमार नहीं है, ये हीट पर है, ये लास्ट टाइम भी हीट पे थी, अब भी हीट पे। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये सब सिम्टम्स मैंने बता दिए आपको, आपको चेक कर लेना है कि अगर उसकी यूरिन की जगह पर लिक्विड सा कुछ आ रहा है, ऑयल ऑयल, तो वो 100% हीट पे। और खाना छोड़ देती कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 7 दिन तक बहुत कम खाना खाएगी, अपसेट रहेगी। अगर आपके पास मेल है तो आप मेटिंग करा सकते हो, अगर आपके पास मेल नहीं है तो आप कहीं लेके जा सकते हो उसे मेटिंग कराने के लिए, किसी का मेल ला सकते हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना फर्स्ट टाइम हीट पे, वो ज़्यादातर अगर मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगर उनमें किसी ने फर्स्ट टाइम में मेट कराया है अपनी फ़ीमेल को, तो वो जानते होंगे कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ़र्स्ट टाइम हीट पे कि लोगों के 6-6 महीने 1-1 साल हो जाते हैं कि वो बार बार फीमेल हीट पे आ रही है मगर मेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं होती मेट पता है क्या है? आप लोग गलती क्या करते हो, आज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, शायद कोई ना बताए। जब फर्स्ट टाइम आपकी मेट होती है ना फीमेल, तो आपको ना हीट के टाइम पर उसे नहीं ले जाना है,
आपको हीट आने से ना 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही उसके पास छोड़ देना है, मेल के पास। अगर आप मेल लाते हो किसी का तो हीट आने से 10 दिन पहले 15 दिन पहले अगर आपको पता ना हो तो 1 महीने तक कम से कम मेल आप अपने पास रखिए। जब तक ये फर्स्ट टाइम वो हीट पे, जब तक ये उसे पहचानेगी नहीं, जब तक एक दूसरे के फ्रेंड्स बनेंगे नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, अभी जानते नहीं हैं कुछ, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। जब एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे उसके बाद जब हीट पे आएगी तब ये उसे एक्सेप्ट करेगी, समझ रहे हैं। अचानक से ये हीट पे आई और दूसरा मेल केट ला दिया आपने तो ये ऑब्वियसली उस पर गुस्सा करेगी, उसे मारेगी भी, क्योंकि 90% चांसेस ये होते हैं कि वो अकेली रहती है फीमेल, तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि उसे आदत ही पूरे घर में अकेले रहने की होती है। तो अकेले रहने के लिए अब सामने से दूसरा बंदा आप मेल लेकर आ रहे हो तो उसे थोड़ा सा अब नॉर्मल तो लगेगा। तो इसलिए आपको जब भी मेल लाना है तो कम से कम हीट से 10-15 दिन पहले लाना है ताकि इनकी दोस्ती अच्छे से हो जाए और ये उसके बाद आसानी से मैट कर लें। तो दोस्तों ये थे हमारे सिम्टम्स। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर करिए इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।